नमस्कार, अब खबर हिसार से। अस्थमा दिवस पर जागरूकता शिविर का आयोजन। हिसार के सेवक सभा अस्पताल में अस्थमा दिवस पर जागरूकता का शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सेवक सभा अस्पताल में सीनियर चिकित्सक डॉक्टर अश्वेंद्र सिंह ने अस्थमा दिवस पर मरीजों की जांच की और उन्हें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। इस दौरान मरीजों ने भी चिकित्सक से अस्थमा रोग के किस प्रकार बचा जाए सभी प्रकार की जानकारियां हासिल की। इस दौरान चिकित्सक ने बताया कि व्यक्ति को रोजाना योगा करना चाहिए। डॉक्टर ने बताया कि हम सांस लेते हैं तो नाक और मुंह से एवं वायु मार्ग से फेफड़े तक जाती है। हवा नली में सिकुड़ने होने के बाद अपनी सांसों लेने में तकलीफ होती है क्योंकि कम हवा ही आपके फेफड़ों तक जाती है। ट्रिगर्स की वजह से श्वास नली में तकलीफ होती है और बलगम या कफ उत्पन्न हो जाता है जिसमें श्वास नालियों में रुकावट हो जाती है। उन्होंने बताया कि शहर में क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण के कारण लोग अस्थमा के शिकार हो रहे हैं। धूल और धुआं, सिगरेट का धुआं, फूलों का पराग, ठंडी हवा और मौसम के बदलाव, पटाखों का धुआं, भावुक होने वाले, ज्यादा तनाव में रहने या हंसना, धूम्रपान, चॉकलेट या ठंडी चीजें, रात्रि में अत्यधिक तेल और चिकनाई युक्त भोजन आदि कई कारणों से अस्थमा की परेशानियां होती हैं। इन कारणों से दूर रहकर या अत्यधिक बचाव करके अस्थमा से होने वाली परेशानियों से बचा जा सकता है। सांस लेने बार बार खांसी आने पर सांस लेने में तकलीफ होना ज्यादातर जुकाम की शिकायत रहने वाले ऐसे लक्षण है। आज इन्हेलेशन थेरेपी अस्थमा के इलाज का मुख्य आधार है। सांस लेने वाली दवाई अस्थमा जैसी भी सांस की बीमारियों के इलाज या उनकी प्रबंधन करने का अभिन्न अंग है। इससे सीधे फेफड़ों में दवाई पहुंचती है, इसलिए काफी तेजी से और बहुत कम डोज पर काम करती हैं। उन्होंने भी अस्थमा के प्रबंधन में महत्वपूर्ण चुनौतियों से पालन में सुधार किया और प्रभावी एवं इस्तेमाल में आसानी इन्हेलर्स का विकास करना शामिल है। कई रोगी अक्सर अपनी दवाइयों का इस्तेमाल कम कर देते हैं या फिर इन्हेलर्स को गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं जो अस्थमा का नियंत्रण की दिशा में काफी हानिकारक होता है। भारत में सांस संबंधी रोगों के मरीजों की देखभाल करने की सुविधाएं बढ़ाने के लिए नए नए यूजर फ्रेंडली जांच के उपकरण और नए इन्हेलेशन उपकरण विकसित की जा रही हैं। इसके इस्तेमाल से किसी तरह की कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हिसार से चैनल लाइव के लिए साहिल कुमार की स्पेशल रिपोर्ट।